शिक्षक ही रहने दें, उनको अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। बीएलओ जैसे कठिन कार्य, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि जुलाई माह के अंदर बहुत ही अध्यापन प्रवेश उत्सव चल रहा है, मगर उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया गया, जिससे उनको पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। सरकार से यही मांग है, सभी पूरे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, बीएलओ और अन्य, आज ये आंदोलन हमारा जिला स्तर पर पूरे राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले भर में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। जो रैली आयोजित की गई है, आज जिला परिषद से कलेक्टर के द्वार तक किया गया रैली आयोजन किया गया, उसके बाद में सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है यहाँ पे, ताकि सरकार को सद्बुद्धि हो कि शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दें, उनको अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। बीएलओ जैसे कठिन कार्य, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि जुलाई माह के अंदर बहुत ही अध्यापन प्रवेश उत्सव चल रहा है, मगर उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया गया, जिससे उनको पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। सरकार से यही मांग है, सभी पूरे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, बीएलओ और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। माध्यमिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन जो किया जा रहा है वो भी नहीं किया जाए, और अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम में जो विभेद किया जा रहा है उसको भी दूर किया जाए, और मुख्य मांग हमारी स्थानांतरण नीति को शीघ्र लागू किया जाए और सभी संवर्गों में स्थानांतरण किए जाए, और DPC जो नहीं करी जा रही है, 2 वर्ष से DPC नियमित नहीं हो रही है, जिससे काफ़ी शिक्षक प्रभावित हो रखे हैं, उस नियमित DPC करी जाए और स्थानांतरण नीति बना करके सभी संवर्गों में स्थानांतरण किए जाए। BLO सहित गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को जो सरकार की मांग है, कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए हैं, उसके बाद में भी उनको नहीं हटाया जा रहा है और उनको सस्पेंड किया जा रहा है, इस कारण हम सब आंदोलन की राह पर हैं। आज खेमराज कमेटी और सामंत कमेटी की जो रिपोर्ट काफी वर्षों से लागू नहीं कर पा रही है सरकार, उसको लागू करने से स्थानांतरण नीति और गैर सदमी के सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। आगे किस तरह का आंदोलन, आगे हमारा मांगे पूरी नहीं होने पर 15 दिवसीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 15 दिवसीय धरना जयपुर में आयोजित किया जाएगा, उसके बाद में वहाँ पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सत्यनारायण शर्मा, जिला अध्यक्ष, शिक्षक संघ राष्ट्रीय, अजमेर।